किया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, आम की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसके फलों का अधिक निर्यात होता है? आम की जो किस्में दी हुई हैं, ये सारी की सारी आम की किस्में हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है अर्थात निर्यात किया जाता है। बेस्ट क्वेश्चन है, बीएचयू भी ये पूछा हुआ है। राइट आंसर अल्फांसो, आम की अल्फांसो वैरायटी जो है ना ये फॉरेन में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है अर्थात निर्यात किया जाता है, तो अल्फांसो वैरायटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, लीची देशज है, देशज का मतलब है, कुछ भाई कह रहे थे सर बायलिंगुअल लैंग्वेज में लेकर के चलिए, तो लीची का ओरिजिन प्लेस क्या है, लीची का उत्पत्ति स्थान क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड चाइना इज राइट आंसर, जो चाइना है ये लीची का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सब्जी में डायोसियस प्रकृति पाई जाती है, इन विच वेजिटेबल डायोसियस नेचर इज फाउंड? राइट आंसर परवल, परवल में हमारा डायोसियस नेचर अर्थात डायोसियस प्रकृति पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परवल। बिल्कुल, ये देखिए मैं इसलिए कह रहा था ना कि कोई आपको शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसको कमेंट किया करिए, क्योंकि मैं ये सेशन स्पेशली, देखिए एक भाई कमेंट किया था सर आपकी माइक खराब है, आप माइक एक ले लीजिए, भाई ले लूँगा माइक, थोड़ा अरेंज करना पड़ता है मुझे भी, मैं आपको जैसे लग रहा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में जा करके देख लो जितना मटेरियल मैं अब तक प्रोवाइड करवा चुका हूँ और ये करवाता रहूँगा, प्रण किया है मैंने कि जो भी भाई बहन हमारे वीक हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं, उन सभी का मैं हेल्प करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, तो हो जाएगी माइक, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, माइक मैं लिया था बट थोड़ा सा उसमें कुछ लग रहा है दिक्कत आ गई है, बट हो जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए अधिक सहनशील है? बिल्कुल, तो बीट रूट होता है अर्थात चुकंदर जो होता है ये अम्लीय भूमियों के लिए अधिक सहनशील होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाइट वियना एक प्रसिद्ध प्रजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, नोट डाउन आप लोग करिएगा कहीं ना कहीं, व्हाइट वियना किसकी एक प्रसिद्ध वैरायटी है? बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा गांठ गोभी, जो व्हाइट वियना है ये गांठ गोभी की एक प्रसिद्ध वैरायटी है और ये विभिन्न एग्रीकल्चर परीक्षाओं में लगभग कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अधिक है कि आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सब्जी वाली मटर की प्रजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बिल्कुल अर्किल, ये भी मटर की वैरायटी है और वेजिटेबल की वैरायटी है अर्थात सब्जी वाली प्रजाति है, बॉनविले भी हमारी सब्जी वाली ही प्रजाति है और मटर, ये तो मटर का तो नाम ही दे दिया है तो ये भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी ये जो हैं ये सभी सब्जी वाली मटर की प्रजातियाँ हैं। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, प्लेलिस्ट बन चुका है करीब 19-20 सब्जेक्ट का एग्रीकल्चर के और सभी का आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और कंटिन्यूअस प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि इधर थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण आपको वीडियो लेट मिल रही थी बट अब आपको वीडियो लगातार मिलती रहेगी। केले का प्रसारण किया जाता है, तो केले का प्रसारण किस विधि से होता है? बिल्कुल राइट आंसर अधोभूस्तारी द्वारा, अर्थात अधोभूस्तारी के द्वारा केले का प्रोपोगेशन किया जाता है, केले अर्थात बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू, तो हमारा अधोभूस्तारी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, अमरूद की प्रजाति है, आप सभी लोग देख सकते हैं लखनऊ 49 भी अमरूद की प्रजाति है और ये जो ढोलका है, ढोलका भी अमरूद की प्रजाति है और इलाहाबादी रेड, ये तो बहुत फेमस, ये दोनों बहुत ही फेमस है और ये पूछ लिया करता है कि आपसे कि लखनऊ 49 किसकी वैरायटी है, इलाहाबादी रेड किसकी वैरायटी है, ढोकला नया है और इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो हैं ये गुआवा की वैरायटीज हैं अर्थात अमरूद की प्रजातियाँ हैं। वही चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, आम के पौधों को रोपने की दूरी कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इंपॉर्टेंट भी है ये। देखिए यहाँ पर आपको कोई दिखावे की चीज़ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपली आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं
विश्वास मानिए, लगातार आप एग्री गुरु जी के साथ बने रहेंगे, 100% आप सफल होंगे। चूंकि यहाँ पर दिखावे की बात नहीं होती, यहाँ पर भीड़ जुटाने की बात नहीं होती, मैं भी कहता हूँ, बस आप लोग कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहिए, चलते रहिए। राइट आंसर 10×10 मीटर, जो आम के पौधे की रोपड़ दूरी होती है तो वो हमारी 10×10 मीटर होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लीची का प्रति पौधा उपज प्राप्त होता है, अर्थात जो लीची है प्रति पौधे से उसकी कितनी उपज प्राप्त होती है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोग्राम। एक पौधे से जो एवरेज होता है वो लीची का 20 kg लीची जो होती है वो एक पौधे से प्राप्त होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे अमरूद का, सीडियम गुआजावा, अमरूद का जो है ये वानस्पतिक नाम होता है। राइट आंसर हो जाएगा मेंजीफेरा इंडिका, जो है मेंजीफेरा इंडिका आम का है, और जो जिज्फस जुज्बा है यह बेर का है, और मूसा पेरिडिसिया का किसका है बॉटनिकल नेम, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर हमारा अमरूद का बॉटनिकल नेम जो है वो सीडियम गुआजावा हो जाएगा या साइडियम गुआजावा हो जाएगा। मूसा पेरिडिसिया का किसका है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर DHO एग्जामिनेशन। प्राइड ऑफ इंडिया इज अ वेराइटी ऑफ, तो यह वेराइटी जो है ये पात गोभी की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वही बात करें हम लोग, ब्रैसिका रेपा किसका वानस्पतिक नाम है? बिल्कुल ब्रैसिका रेपा जो है यह हमारा किसका वानस्पतिक नाम है, तो बिल्कुल सलजम इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डाकस करोला आपको पता है कि गाजर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 400 से 500 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर है किसकी? बैंगन, मिर्च, टमाटर या फिर भिंडी की? तो आप सभी लोग जानते हैं 400 से 500 ग्राम सीडेड जो होता है पर हेक्टेयर ब्रिंजल का होता है, सोलेनम मेलोंजिना इसका वानस्पतिक नाम होता है, और 400 से 500 ग्राम सीडेड जो होता है इसका सफिशियंट होता है एक हेक्टेयर रोपाई के लिए अर्थात बुआई के लिए। इसका सीडलिंग जो होती है वो 400 से 500 ग्राम बीज होते हैं, वो प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए इनफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, आम्रपाली आम का एक संकरण है जो किसके क्रॉस से पैदा किया गया है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दशहरी गुड़े नीलम। इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं D:N=A, अर्थात DNA, दशहरी गुड़े नीलम इजक्वल टू आम्रपाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल क्रॉप है, कोल क्रॉप कौन सी है इनमें? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोभी, कॉलीफ्लावर जो है यह कोल क्रॉप के फैमिली में आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नासिक रेड सब्जी की किस्म है, तो किस वेजिटेबल की वेराइटी है नासिक रेड? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना कि आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेगा। नासिक रेड जो है वो सब्जी के, कौन सी सब्जी की वेरायटी है, तो वो प्याज की वेरायटी है। एलियम सेपा इसका वानस्पतिक नाम होता है और नासिक रेड जो है ये इसकी वेरायटी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैप्सिकम एनम मिर्च का होता है, लाइकोपर्सिका नेस्कुलेंटम टमाटर का होता है, और लहसुन का वानस्पतिक नाम क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो काम आपको दिया जाता है वो आप लोग बखूबी करते चलिए, 100% एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो बिना पढ़ा हुआ एग्जाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकी की उन्नतशील किस्म है। देखिए विश्वास जो होता है ना वो बहुत अटूट चीज़ होती है। आप एग्री गुरु जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, एग्री गुरु जी आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। अगर विश्वास करके आप लोग पढ़ाई करते हो, जो भी आपको डाउट आता है आप डिस्कशन करते हो ना, तो ये जान लो कि इस दुनिया का सबसे यूनिक काम आप लोग कर रहे हो। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, विश्वास के साथ बने रहिए। चलिए बिल्कुल, लौकी की उन्नतशील किस्म कौन सी है, तो पूसा मेघदूत, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर पूछ लिया करता है, ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, 375 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर किसकी होती है? बिल्कुल, जो फूल गोभी है इसकी सीड रेट कितनी होती है? तो 450 से 400 ग्राम होती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली औषधि है तो किस रोग में मूली का उपयोग सबसे बेस्ट होता है? बिल्कुल, बवासीर, पीलिया, जिगर रोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए जो मूली है, और इसमें एंटी कैंसर ऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कैंसर से प्रिवेंशन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैम्पिंग ऑफ बीमारी है तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी किसकी है? डैम्पिंग ऑफ जो है यह टमाटर में भी लगता है, मिर्च में भी लगता है और बैंगन में भी लगता है, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आम की फसल में फूल आने का समय क्या होता है? बिल्कुल, दिसंबर से जनवरी के महीने में आम में पुष्पन की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र पकने वाली आम की किस्म कौन सी है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सफेदा, चौसा, बंबई हरा या फिर उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल, बंबई हरा जो है यह सबसे जल्दी पकने वाली आम की वैरायटी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम के बौर अर्थात उसका जो पुष्प होता है का भयंकर रोग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, गुच्छा रोग, जिसे हम लोग माल फार्मेशन बोलते हैं, मैंगो माल फार्मेशन भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, और यह आम के बौर का जो है वो भयंकर रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी, गुच्छा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पपीते की उन्नत किस्म है? बिल्कुल, हनी ड्यू वैरायटी है, आम ये भी पपीते की किस्म है, पूसा बौनी ये भी पपीते की है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी, हमारा पपीते की उन्नतशील प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मूसा पैराडिसिया का वानस्पतिक नाम है किसका? कैरिका पपाया पपीते का है, सीडियम गुआजावा अमरूद का है, मेंजीफेरा इंडिका आम का है, मूसा पैराडिसिया का ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पर आपको सलूशन मिल गया, केला अर्थात बनाना का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा भाई, आप लोग विश्वास के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीडफुल लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिंदास शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ाओ, भीड़ नहीं चाहिए, जो पढ़ने वाला है उस तक ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सब्जी वाले केले की किस्म कौन सी है? बेस्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल सब्जी वाले केले की जो किस्म है वो हजारा केला है, हजारा केला होता है, और एक सब्जी वाली किस्म है जो अक्सर पूछा होता है, राम केला, राम केला और हजारा केला ये दोनों हमारे केले की सब्जी वाली किस्में हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे लोकप्रिय अमरूद की किस्म कौन सी है? तो स्पेशली फॉर यूपी क्लाइमेट, इलाहाबादी सफेदा इज द सुटेबल वेराइटी फॉर यूपी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, लेमन इज प्रोपोगेटेड थ्रू अर्थात नींबू का प्रसारण किया जाता है किसके द्वारा? बिल्कुल, तो बाई सीड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बाथ आर डन इन प्रोपोगेशन मेथड ऑफ लेमन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीज और वानस्पतिक प्रसारण दोनों के द्वारा लेमन का प्रोपोगेशन किया जाता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, अंगूर की किशमिश वाली किस्में हैं तो अंगूर की किशमिश वाली कौन सी किस्म है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दैट राइट आंसर इज सुल्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंगूर की किशमिश वाली किस्म ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो सुल्तान हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे सामने लीफ रोलर किसका कीट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लीफ रोलर जो होता है वो अंगूर का कीट होता है, विटिस वेनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है अंगूर का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वहीं हम लोग बात करें सेब की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है। मैंने कई बार आपको बताया है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वन पे चलेंगे। कश्मीर घाटी में सेब उगाने वाली प्रजाति है, अर्थात कश्मीर घाटी में उगाई जाने वाली सेब की कौन सी प्रजाति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्रीकल्चर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखूंगा। रेड डिलीशियस, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेड डिलीशियस जो है ये कश्मीर घाटी में, या यूं कहें कि कश्मीर में उगाई जाने वाली सेब की वेराइटी है। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन है इस वेराइटी के लिए फेवरेबल होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। सेब के पौधों में बीमारी का प्रकोप होता है, तो सेब का जो पौधा होता है हमारा, वह उसमें पिंक रोग भी लगता है, ब्राउन रोग भी लगता है, देन पाउडरी मिल्ड्यू भी लगता है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसे कहा जा सकता है, और एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फल संरक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, या कौन कौन सा है? तो पौष्टिक तत्वों की पूर्ति बिल्कुल है, राष्ट्र सुरक्षा में योगदान ये भी है, देन विदेशी व्यापार ये भी है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिंकट फल की किस्म कौन सी है? फटाफट आप लोग आंसर करिए इसके लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिंकट फल की किस्म है, अर्थात लिंकट किस फल की किस्म है। बिल्कुल राइट जवाब है नाशपाती। लिंकट जो है यह नाशपाती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है या किस्म है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमको फूल दिया है और उसका वानस्पतिक नाम दिया है, नीचे कूट भी दिया है, बट हम लोग यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 101% मिलने वाला है। और ये मान के चलिए जो मिक्सअप वाला क्वेश्चन होता है, मैच करने वाला क्वेश्चन होता है, उनमें से एक या दो क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे एक बार मैच वाला दे दिया, तो अगली बार उसी में से उठा करके ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन दे देगा। तो इन सब क्वेश्चनों को आप लोग बड़े ध्यान से और कंसंट्रेट भाव से देखा करिए। तो चमेली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो चमेली होता है हमारा, चमेली का होता है जैस्मिनम, जैस्मिनम और ये कुलेटम। तो बिल्कुल ये चमेली का हो जाएगा। क्राइसेंथिमम का आप सभी लोग जानते हैं, क्राइसेंथिमम स्पीसीज हो जाएगा। रोज का तो बिल्कुल इजी है, रोजा इंडिका। देन लीली का जो होता है वो क्रीनियम स्पीसीज होता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसारण विधि है और उसका उद्देश्य है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अर्थात प्रोपोगेशन मेथड है और उसका एम क्या होता है, हमको मैच यहाँ पर करना है। तो जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग होती है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का उद्देश्य क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का जो उद्देश्य होता है वह होता है टॉप वर्क्ड ट्री है तो विशेष रूप से उपयुक्त किया जाता है क्या, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। बिल्कुल। ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ब्रिज ग्राफ्टिंग जो है वो हमारा किसके लिए यूज में लाया जाता है? तो बिल्कुल मरम्मत के उद्देश्य से इसको यूज में लाया जाता है। अगला है हमारा, आम एवं लोकाट में प्रसारण की सामान्य विधि। आम और लोकाट में जो प्रसारण की सामान्य विधि होती है वो हमारी है इनार्चिंग। और जो इंडोनेशिया में आम में कली लगाने की एक प्रचलित विधि जो अब भारत में भी संस्तुत की गई है, तो ये हमारी है फॉरकार्ट विधि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये मैच हो जाएगा क्या, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, बिल्कुल टॉप वर्क ट्री के लिए उपयुक्त होता है ये। ब्रिज ग्राफ्टिंग मरम्मत के उद्देश्य से, आम और लोकाट के प्रसारण विधि तो इनार्चिंग, और इंडोनेशिया में आम में कली लगाने की एक प्रचलित विधि है जो भारत में भी है, तो वो है फॉरकार्ट विधि। आपसे ये भी पूछ सकता है कि आम में कली लगाने की कौन सी विधि इंडोनेशिया में प्रचलित है, तो फॉरकार्ट विधि इंडोनेशिया की है बट अब भारत में भी प्रचलित है फॉरकार्ट विधि। तो क्वेश्चन को आपको किसी भी आयाम से घुमाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे, कौन सा समूह संबंधित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोमोलॉजी फल विज्ञान बिल्कुल सही है, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान अर्थात पुष्पों का अध्ययन किया जाता है ये भी सही है, ओलेरिकल्चर
इसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। बट पीसी कल्चर जो होता है ये वन नहीं होता है, ये मत्स्य विज्ञान या इसको हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन कह सकते हैं पीसी कल्चर को। और जो वन विज्ञान होता है इसका अध्ययन सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। वहीं हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सकर्स द्वारा केले के प्रसारण में कौन सा सही है, अर्थात सकर्स के माध्यम से जो हम लोग केले का प्रसारण करते हैं, केले का प्रोपोगेशन करते हैं, उनमें से किस भाग का यूज किया जाता है। आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा भूमिगत तना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही हम लोग बात करेंगे कौन सा फल पौधा तटीय क्षेत्रों की उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो कल का जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा एग्रोफॉरेस्ट्री का आप जिसने भी लास्ट तक देखा होगा, तो वहां पर मैं शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और आपको जो इक्वेटर लाइन है कहाँ पर कितने डिग्री पर कर्क रेखा है, कितने पे मकर है, कितने पे हमारा शीतोष्ण जलवायु है, कहाँ पर उष्ण है, कहाँ पर शीत है, इन सब के बारे में मैंने आपको आउटलाइन दिया था। तो आप लोग पांचवा भाग था शायद वो, हाँ मे भी पांचवा था, आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, उसमें लास्ट में बिल्कुल है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भी मेन फैक्ट रहते हैं वो आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो इसलिए कोई भी पॉइंट आप लोग छोड़ा नहीं करिए। ये इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो चलेगा, देखिए या ना देखिए आपके ऊपर है, बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और सफलता पाना चाहते हो तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं किया करिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा ये मेरी गारंटी है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बस साथ कदम ताल मिला करके चलते रहिए, बाकी सफलता निश्चित है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो अभी ये क्वेश्चन देखेंगे कौन सा फल पौधा तटीय क्षेत्रों की उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नारियल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कट फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कट फ्लावर के लिए प्रयोग होता है। तो बिल्कुल गुलाब, ग्लेडियोलस, गेंदा और ट्यूबरोज, ये जो चारों हैं ये कट फ्लावर के लिए यूज में लाए जाते हैं। और आप लोग के लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देखते हैं कितने लोग कमेंट करके देते हैं। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप लोग को अहमियत इसकी में भी, काफ़ी भाई बहन है जो मेरे एक्टिव हैं, बट कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये केवल टाइम पास हो रहा है, एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन टाइम पास कर रहा है। क्योंकि जब हम पैसे या कोई चीज़ पे नहीं करते हैं ना, तो हमको लगता है यार ये तो फर्जी चीज़ है, ये तो हवा है। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं आपको अभी सफाई भी नहीं दूंगा, एग्जाम के बाद जितने भी लोगों को लग रहा है वो आकर के मिलेंगे। आप लोगों के लिए है कि सबसे ज़्यादा कट फ्लावर्स का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका कमेंट आप लोग करेंगे और सही जवाब देखते हैं कितने लोग देते हैं। तो बिल्कुल चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग कह रहा है कि पौधा है और उसकी प्रसारण विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस पौधे का किस विधि से प्रसारण किया जाता है। तो कैना जो है, कैना का जो प्रसारण किया जाता है वो राइजोम के माध्यम से होता है, वहीं ग्लैडियोलस होता है, जो ग्लैडियोलस का प्रसारण जो होता है वो कंद के द्वारा किया जाता है। गुलाब आप लोग जानते होंगे कि गुलाब का कलिका लगाया जाता है, उसका डंठल काट करके प्रोपोगेट किया जाता है। और डहेलिया जो होता है, डहेलिया का ट्यूबर यूज में लाया जाता है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा समूह स्वयं परागित अर्थात सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल का है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो सेल्फ पॉलिनेटेड वेजिटेबल का ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है मटर, भिंडी, आलू और मिर्च, ये कैसी क्रॉप है, तो ये चारों के चारों क्रॉप हमारे जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, अर्थात स्व परागित फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा समूह सही संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा समूह सही संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल गाजर सोलेनेसी बिल्कुल गलत, लोबिया लिलिएसी बिल्कुल गलत, आलू सोलेनेसी बिल्कुल ये राइट है, खीरा मालवेसी बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यही एक समूह ऐसा है इनमें जो हमारा सही है। वहीं आगे हम लोग बात करेंगे केले का ऊपरी तना कहा जाता है या केले का ऊपरी तना क्या कहलाता है, आप लोग उत्तर करिएगा।
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्यूडो स्टेम। जो केले का ऊपरी तना होता है वो क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग स्यूडो स्टेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, केला लगाने का सही समय कौन सा होता है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। केला लगाने का सही समय जो होता है वो जून जुलाई का होता है, क्योंकि इसके बाद फिर वही जून जुलाई में बारिश होने लगती है, तो जो पौधे का ग्रो करने का सही समय होता है, इस समय अगर हम लोग उसको प्रोपोगेट करते हैं या इसको प्लांटिंग करते हैं तो इजली इसको पानी वगैरह का प्राप्यता बनी रहती है और ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आम के बाग में पूरक वृक्ष है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरक वृक्ष का मतलब होता है कि जो मेन बगीचा है उसको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और इजली हमारा दूसरा भी लाभ का धंधा उसमें किया जा सके, अर्थात लाभ वाला प्लांटेशन किया जा सके जिससे हम लोग इनकम कर सके। तो आम के बाग में पूरक वृक्ष के रूप में कौन लगाया जा सकता है, तो पपीता। यह बिल्कुल भी आम के पौधों को अफेक्ट नहीं करता है और इजली यह ग्रो करता है और एक्स्ट्रा इनकम फार्मर को हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते होंगे, किंग ऑफ फ्रूट आम को कहा जाता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कितना पाया जाता है, 4800 इंटरनेशनल यूनिट IU, 4800 IU विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीलम गुड़े दशहरी के क्रॉस से कौन सी आम की किस्म विकसित की गई है। आप लोग जवाब करें। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, आम्रपाली, DNA इसे कहते हैं। दशहरी गुड़े नीलम के क्रॉस से क्या बना है, आम्रपाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, दशहरी गुड़े नीलम आम्रपाली हो जाएगा, बिल्कुल दशहरी गुड़े नीलम होगा। दशहरी गुड़े नीलम होगा तो हमारा आम्रपाली हो जाएगा, वहीं अगर नीलम गुड़े दशहरी होगा तो बिल्कुल नीलम गुड़े दशहरी में हमारा क्या हो जाएगा, मल्लिका। सॉरी मैंने इसका आम्रपाली बताया आपको, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, नीलम का क्रॉस हो रहा है किससे, दशहरी से, तो क्या बनेगा, मल्लिका। वहीं अगर दशहरी का हम लोग नीलम से क्रॉस कराएंगे तो आम्रपाली बनेगा। इसका एक मात्र आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। इसमें क्या करना है हमको कि जब भी नीलम दशहरी मल्लिका भी बन रहा है, दशहरी नीलम से आम्रपाली बन रहा है, तो हमको क्या याद रखना है, दशहरी का क्रॉस होगा नीलम से तो बनेगा क्या, आम्रपाली। दशहरी का हम लोग डी लेंगे, नीलम का लेंगे एन, डी गुड़े एन बनेगा क्या, आम्रपाली, अर्थात बराबर ए। तो हो जाएगा क्या, DNA, वो वाला डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वाला नहीं। यहाँ पे हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए DNA हमेशा याद रखेंगे। दशहरी गुड़े नीलम से बनेगा क्या, आम्र पाली, और अगर इसी का उल्टा हो जाता है नीलम गुड़े दशहरी तो क्या बन जाएगा, मल्लिका। तो आई होप सो आपको यहाँ से दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक आप याद रखिए, DNA याद रहेगा तो NDM आसानी से बन जाएगा, नीलम गुड़े दशहरी हो जाएगा तो मल्लिका, वहीं अगर DNA हो जाएगा तो दशहरी गुड़े नीलम बराबर आम्रपाली हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, नीलम गुड़े अल्फांजो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब करते हैं, फटाफट अपना उत्तर आप लोग करिए, आपको मिलते हैं 4 सेकेंड। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो नीलम गुड़े अल्फांसो के क्रॉस से रत्ना बिल्कुल विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो वही बात करेंगे हम लोग, ग्राफ्टेड आम रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। तो जो ग्राफ्टेड होते हैं वो आम के रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं, तो कब, तो शीघ्र ही तैयार हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम रोपण हेतु पौध से पौध और कतार से कतार, जैसे हम लोग पढ़े होंगे P2P, प्लांट गुड़े प्लांट, और एल गुड़े एल, अर्थात लाइन गुड़े लाइन, तो पौध से पौध और कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है, तो आम रोपण के लिए हमेशा 10 मीटर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, आम्रपाली आम की संकर किस्म में कतार गुड़े पौध, अर्थात लाइन इंटू प्लांट की दूरी कितनी रखी जानी चाहिए। बिल्कुल, तो जो लाइन और पंक्ति की दूरी होती है आम्रपाली में वो 2.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। वही बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकांतर फलत अर्थात अल्टरनेट बियरिंग की समस्या
किस फल वृक्षों में आमतौर पर देखी जाती है? आप लोग उत्तर करिए। आई होप सो जितने भी भाई बहन हमारे एक्टिव हैं वो सभी इसका सही जवाब देंगे, तो फटाफट कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आम, मैंजीफेरा इंडिका। अल्टरनेट वियरिंग की समस्या जो होती है वो आम में पाई जाती है। और अल्टरनेट वियरिंग होता क्या है, आप लोग जनरली देखते होंगे कि आम का पौधा यदि एक साल फलत कर देता है तो वो दूसरे साल गैप कर जाता है, इसी को कहते हैं अल्टरनेट वियरिंग। तो यह पाया जाता है जनरली आम में पाया जाता है। वही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, आम में फलों का गिरना अर्थात फ्रूट ड्रॉप होता है, किसके छिड़काव से इसको नियंत्रित किया जा सकता है? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो बिल्कुल आम में जो फ्रूट ड्रॉप की समस्या आती है उसे 2,4-D के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2,4-D जो है ये हर्बिसाइड में भी यूज होता है, अर्थात खरपतवार नाशी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। बट इसका जो स्मॉल अमाउंट अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये हार्मोन का भी काम करता है। तो आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए हम लोग 2,4-D का छिड़काव करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं। वहीं आगे हम लोग बात करेंगे मूसा पैराडिसिया का किसका वानस्पतिक नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मूसा पैराडिसिया का किसका है, केले का वानस्पतिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। वहीं बात करेंगे हम लोग केले में रोपाई का फासला अर्थात पॉड और कतार का जो होना चाहिए डिस्टेंस वो कितना रखा जाता है, तो बिल्कुल 3×3 मीटर का फासला रखा जाता है, किसमें, तो केले में। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा पौधा अपने जीवन में एक ही बार वंस इन लाइफ फल देता है, तो वह हमारा कौन सा है, बिल्कुल केला। आप लोग सुने होंगे केला बिच्छी बांस, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म केले की नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसी वेराइटी इसमें है जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जिसके बारे में डिस्कशन आप लोगों से किया है, तो यहाँ पर ये जो सरदार या फिर लखनऊ 49 है ये अमरूद की वेराइटी है, मैंने कई बार आपको बताया है। और यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन सी किस्म केले की नहीं है, तो ये जो है ये सी वाला ऑप्शन हमारा केले की नहीं है, ये अमरूद की वेराइटी है सरदार, जिसे लखनऊ 49 के नाम से भी जाना जाता है। अगर वहीं हम लोग बात करें ये जो मारीसस है बिल्कुल ये केले की किस्म है, पुवन, हरी छाल, बरसाई ये सब केले की किस्म है, और लाल वेलची ये भी केले की किस्म है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सरदार या लखनऊ 49, ये अमरूद की किस्म है, सीडियम गुआजावा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड 45, अमरूद की जो संकर किस्म है हाइब्रिड 45 यह किसका क्रॉस है, पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो हाइब्रिड 45 है इसका डेवलपमेंट जो है वो इलाहाबादी सफ़ेदा का क्रॉस लखनऊ 49 से करा करके इसे पैदा किया गया है, या इसके क्रॉस से हाइब्रिड 45 उत्पन्न किया गया है, तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। वहीं बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, लुकाट या फिर जिसे हम लोग लोकाट बोलते हैं की उत्पत्ति किस देश से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लोकाट है हमारा इसका ओरिजिन प्लेस जो है वह मध्य चीन या मिडल चाइना माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, पपीते के बाग में परागण हेतु नर पौधों की संख्या पर्याप्त होगी, तो आप लोग उत्तर करिए अपना। बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वो होगा 5-10%, अर्थात अगर हमारा पपीते का कोई बगीचा है तो हम लोग परागण के लिए अर्थात पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उस बगीचे में 5-10% जो है वो नर पौधों की संख्या जो रहेगा उसको रखेंगे, और ये नर की संख्या जो 5-10% रखते हैं ये इनफ होता है परागण की प्रक्रिया को कम्प्लीट करने के लिए। और देखिए आप सभी भाई बहन कोई भी पार्ट मिस नहीं किया करिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा पार्ट रहता है जो मैं लास्ट में आपको ब्रीफली उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में हमने शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, सम शीत कटिबंध के बारे में आपको विथ फिगर डिटेल की डिस्कशन किए थे हम लोग उसके बारे में। और आप लोगों का एग्ज़ाम भी अभी कोविड के कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, तो अच्छा मौका है डीपली आप लोग पढ़ाई करते हुए, चलिए तैयारी का समय मिल गया है अच्छा, तो
आप लोग कोई भी पार्ट को हल्के में नहीं लिया करिए, सीरियसली पूरा मैटर देखा करिए। और जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बिंदास डिस्कशन करने के लिए फ्री हैं, आप कमेंट कर दिया करिए, बिल्कुल बात करेंगे हम लोग। अमरूद के प्रसारण की नवीनतम विधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो अमरूद का प्रोपोगेशन किया जाता है उसके लिए जो नवीनतम विधि है वो हमारी स्टूलिंग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कशन किया था कि किस प्लांट में किस टाइप का जो होता है वो प्रोपोगेशन मेथड को यूज़ में लाया जाता है। अभी आज हम लोग कुछ बात करेंगे आगे भी कि लीची का हो जाएगा, लीची का क्या होता है, तो लीची का गुटी जो होगा वो लीची में यूज किया जाता है। वहीं जो होता है सील्ड बडिंग वाली बात, तो वो खुबानी में सील्ड बडिंग टाइप का होता है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक आप लोग ज़रूर इसको कंप्लीट एनालिसिस किया करिए आप लोग। अमरूद में पौधे से पौधे गुड़े कतार से कतार की संस्तुत दूरी कितनी होती है? बिल्कुल सही जवाब जो है वो हमारा होगा 8 से 10 गुड़े 8 से 10 मीटर, अर्थात पौध से पौध की दूरी भी 8 से 10 मीटर होनी चाहिए। और वहीं अगर कतार से कतार की दूरी की बात करें वो भी हमारा 8 से 10 मीटर जो होता है वो रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग। अनानास जिसे हम लोग पाइनएप्पल बोलते हैं के लिए कौन सा नत्रजन युक्त उर्वरक अधिक उपयुक्त समझा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो पाइनएप्पल है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाइनएप्पल के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है अमोनियम सल्फेट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चीकू वृक्ष जिसे सपोटा कहते हैं पर फलत आता है, अर्थात चीकू वृक्ष में फलन कब आता है? तो फटाफट आप लोग जवाब करिए। बिल्कुल राइट जवाब जो है वो वर्ष में दो बार, जो चीकू या जिसे हम लोग सपोटा बोलते हैं इसमें फलन जो होता है वो एक वर्ष में दो बार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 हेक्टेयर चीकू के बाग में कितने पौधों की लगभग आवश्यकता पड़ती है? सपोज हमने 1 हेक्टेयर चीकू को लगाया है तो उसमें कितने पौधे आ जाएंगे, या 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए कितने पौधों का रिकमेंडेशन किया जाता है कि हमारा फलत भी अच्छा हो और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी मिल सके? तो बिल्कुल राइट होगा 120 पौधे जो हैं वो पर हेक्टेयर के हिसाब से चीकू के यूज़ में लाए जाते हैं या लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेब में वानस्पतिक प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो सेब जो होता है उसमें टी, या जिसे टी बडिंग को ही सील्ड बडिंग बोलते हैं तो कोई इशू नहीं है, टी या सील्ड बडिंग, बेंच या टंग ग्राफ्टिंग, दोनों के द्वारा हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अर्थात वानस्पतिक प्रसारण करते हैं, किस में? सेब में। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब यहाँ से आपका थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग खुद समझ जाएंगे, हम सीधा आपको यहाँ से मैच करवाते हुए लेकर के चलेंगे, कोट के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे कि कौन सा कोट सही होगा कौन सा नहीं। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा तो आप लोग इसको नोट डाउन भी करिएगा। बिल्कुल हमारा एक साइड दिया हुआ है क्या है, फ्रूट है, दूसरी तरफ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड। तो जो चेरी है हमारा, चेरी में कौन सा मेथड यूज़ में लाया जाता है? तो चेरी में हमेशा प्रसारण का जो होता है वो वीप या जीभ ग्राफ्टिंग जिसे टंग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। सेब में अभी मैंने आपको बताया सील्ड या टी बडिंग, सील्ड बडिंग को ही क्या बोला जाता है, तो टी बडिंग भी बोला जाता है। खुबानी, खुबानी में कौन सा होता है, तो सील्ड कलिका या फिर टंग ग्राफ्टिंग, बिल्कुल। और जो लीची है, लीची में गोटी का इस्तेमाल किया जाता है और ये बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सेशन होगा ये आपके लिए। आई होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल है और इसका बॉटेनिकल नेम है, इसको मैच करना है। काजू का क्या होता है बॉटेनिकल नेम, आप सभी लोग जानते होंगे, तो काजू जिसे हम लोग काशी बोलते हैं इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है एनाकार्डियम
ऑक्सीडेंटल बिल्कुल। वहीं लोकार्ट की बात करेंगे तो लोकार्ट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो लोकार्ट का होता है एरियोबोट्रिया जापोनिका। बिल्कुल, ये भी मैच हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो फ्रेगेरिया स्पीसीज होता है, और अनार का आप सभी लोग जानते होंगे प्यूनिका ग्रेनेटम। तो ये है हमारा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं विशेष रूप से आप लोग ध्यान से देखा करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका चार प्रश्न हल होता है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए चलेंगे आगे हम लोग। फल है और उसका वानस्पतिक नाम दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा फल है और उसका वानस्पतिक नाम क्या है, इसको मैच करना है। तो जो हमारा प्लम होता है, प्लम का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? तो प्रूनस डोमेस्टिक या डोमेस्टिका। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग पियर की बात करें तो पियर का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पायरस कम्युनिस। ये भी बिल्कुल मैच हो जाएगा। रुके, हम थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। जो प्लम है इसका मैंने आपको बताया प्रूनस डोमेस्टिका है, ओके। वहीं अगर सेकेंड वन की बात करें हम लोग, जो पियर हमारा है, पियर का जो होता है वो होता है पायरस कम्युनिस, ओके। देन थर्ड वन की अगर हम लोग बात करें, जो पीच हमारा होता है, पीच का जो होता है वो होता है प्रूनस पर्सिका। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात कर लें, चेरी, चेरी का होता है प्रूनस एवियम। आई होप सो अब आपका ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा अलग अलग रंग से कर देने पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल चलेंगे आगे की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा फल और उसका वानस्पतिक नाम है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो खुबानी है इसका प्रूनस आर्मेंसिया सही है, सेब जो है इसका पायरस मेलस, अंजीर जो है, अंजीर का जो फाइलेंथस एम्बलिका नहीं होता है, अंजीर का जो होता है वो होता है क्या, अभी मैंने आपको बताया फाइकस कैरिका होता है, FICUSCARICA फाइलस कैरिका होता है, और बेर का जूजफस मॉरिटियाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा मैच नहीं है? तो अंजीर वाला मैच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंवला का वानस्पतिक नाम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। आंवला जो होता है इसका होता है क्या? फाइलेंथस एम्बलिका। बिल्कुल, जो फालसा है इसका क्या होता है? तो फालसा का होता है ग्रीविया एस्टिका। थोड़ा सा हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको प्रोनाउंसिएट करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे तो होता है। तो क्या होता है? ग्रेविया एसियाटिका। बिल्कुल सही है। कटहल का क्या होता है? तो आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। और एवोकाडो का क्या है? तो पर्सिया स्पीसीज होता है। आप लोग इसके, आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वह है बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौती हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाती है, और पीलिया जो होता है यह किसके द्वारा होता है कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। चलेंगे आगे हम लोग। मिलान करना है यहाँ पर, कूट दिया हुआ है, कह रहा है फसल है और उसका उत्पत्ति स्थान है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आंसर देखेंगे और आप लोगों को मौका मिलेगा स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। और स्क्रीनशॉट लेकर के एक दो बार आप लोग जरूर देखा करिए, और कैसा लगता है सेशन आप लोग लास्ट में ज़रूर बताया करिए। आपका लाइक जो होता है ना उससे मेरा कुछ होता नहीं, या मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं यूट्यूब से कमा करके अपनी हवेली खड़ी करूं। आप लोगों का हेल्प करने का मेरा मेन मोटो है, जिसलिए मैंने एग्री गुरुजी को स्टार्ट किया। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए किया करिए कि हम लाइक करेंगे तो सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे, और यही सही भी है। बिल्कुल, बात करेंगे फसल है और इसका उत्पत्ति स्थान है, और देखेंगे हम लोग फूल गोभी। तो फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। फूल गोभी दक्षिण अमेरिका इसका ओरिजिन प्लेस है। वहीं हम लोग अगर बात करें प्याज की, तो प्याज का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो प्याज का ओरिजिन प्लेस एशिया है। बिल्कुल,
नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे। और नेक्स्ट वन में तरबूज है, तरबूज का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो तरबूज का ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है। और जो खरबूज है इसका ओरिजिन प्लेस जो है यह कहाँ पर है, तो यह भारत में है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए फटाफट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फसल और इसका उत्पत्ति स्थान। ये जितना आपको ये सारणी वाला प्रोवाइड करवाया जा रहा है मैचिंग का, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा कोई सा भी क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो भी आपके दिमाग के साथ खेलता है। प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं उनके चारों विकल्पों के ऊपर डिस्कशन करना होता है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इशू मत लीजिए, बिल्कुल बिंदास टेंशन के बिना तैयारी करते रहिए। फसल है और इसका ओरिजिन प्लेस है, मटर का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मटर का इथोपिया है, बिल्कुल सही है। बैंगन, बैंगन का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो भारत है, ये भी सही है। ककड़ी, ककड़ी का ओरिजिन प्लेस ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई, ककड़ी का ओरिजिन प्लेस भारत है, ये गलत है। ककड़ी का ओरिजिन प्लेस जो है ये भारत है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं चलेंगे नेक्स्ट वन की तरफ, फसल है और इसकी किस्म है, वेराइटी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाने वाला है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, टमाटर आप सभी लोग जानते हैं, टमाटर की किस्म कौन सी है, तो बिल्कुल हिसार ललित, बिल्कुल सही मैच है। खरबूज की किस्म हिसार मधुर, ये भी सही है। लौकी, लौकी की किस्म है पूसा संदेश, ये भी सही है। बट करेला, 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 पूसा विकास जो है ना ये करेले की किस्म नहीं है, आप कहेंगे फिर किसकी है, तो पूसा विकास कद्दू की किस्म है और यह करेले की किस्म नहीं है, इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, काजू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल जो काजू होता है हमारा उसका खाने जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो कार्टिलीडन्स एवं मांसल पेडिसल कहा जाता है काजू के खाए जाने वाले भाग को। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करना है, फसल है और उसकी संकर किस्में हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि इनमें जितनी भी वेराइटीज हैं ये अपने स्पेसिफिक फीचर वाली हैं, तो बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करिएगा। और बिल्कुल करेला, करेले की संकर किस्म कौन सी है, तो बिल्कुल यहाँ से कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, सेंचुरी तिजारती, महिको लॉन्ग ग्रीन, अर्का हरित एवं पूसा दो मौसमी, ये सभी जो वैरायटी हैं ये करेले की हैं। और हम लोग बात करें टमाटर की, तो रजनी, रूपाली, सोनाली, मंगला एवं अर्का वरदान, ये किसकी वैरायटीज हैं, तो टमाटर की हैं। आगे बात करें हम लोग तोरई की, तो उत्सव या सेंचुरी ये कई बार पूछा हुआ है, उत्सव या जिसे हम लोग सेंचुरी बोलते हैं, हरिता, रोहिणी एवं सुरेखा, ये सब तरोई की वैरायटीज हैं। नेक्स्ट वन है हमारा खरबूज, मस्क मेलन, पंजाब हाइब्रिड, पूसा रसराज, वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी, ये कई बार आपसे एग्जामों में पूछा हुआ है कि पूसा रसराज किसकी किस्म है, रसराज सोना, स्वर्ण एवं मधुबाला, तो बिल्कुल यह खरबूजे की वैरायटीज हैं। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। अगला है हमारा कंद वाली फसल है, उसका वानस्पतिक नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंद वाली फसलें हैं और इनके वानस्पतिक नाम हैं।
बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी मिस डाउन नहीं करिएगा आप लोग। तो बात करेंगे हम लोग जिमीकंद की, जिसे हम लोग एलिफेंट फुट याम बोलते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? बिल्कुल, जो जिमीकंद या फुट याम, एलिफेंट फुट याम होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है एमोरफोफेलस। फिर से देखिएगा, एमोरफोफेलस कैंपेन्यूलेट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक दो बार आप लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे सही हो जाएगा। जिमीकंद का बॉटनिकल नेम क्या है? एमोरफोफेलस कैंपेन्यूलेट्स। बिल्कुल, तो आगे रतालू। रतालू, रतालू का जो वानस्पतिक नाम होता है ये होता है डायोस्कोरिया अलाटा। शकरकंद की बात करें तो शकरकंद का क्या नाम होता है? बिल्कुल, शकरकंद का होता है आइपोमिया बताता, नहीं बटाटा होता है ये। और जो टेपियोका या कसावा जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है मनी हार्ट एस्कुलेंटा। स्क्रीनशॉट आप लोग बना लीजिए। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंद वाली फसलें हैं और इनके फैमिली से मिलान करना है। आलू, आलू की फैमिली कौन सी है आप लोग को पता होगा? बिल्कुल, आलू जो है हमारा, इसका फैमिली होता है सोलेनेसी। बिल्कुल, वहीं अगर हम लोग बात करें शकरकंद की, तो शकरकंद की फैमिली होती है क्या? कनवॉनवुलेसी। नेक्स्ट वन पे चलेंगे हम लोग, टैपियोका। टैपियोका की फैमिली क्या होती है? तो यूफोरबियेसी। एंड नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, घुइया एवं जिमीकंद, तो इसकी जो फैमिली है यह होती है एरेसी। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइए। बिल्कुल, चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सलाद है और इसका वानस्पतिक नाम है, और कह रहा है कि कौन सा सही है, सही समूह हमको इसमें से छांटना है। कह रहे हैं सलाद लेट्यूस, इसका वानस्पतिक नाम लैक्टुका सटाइवा होता है। बिल्कुल, सेलरी, सेलरी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो बिल्कुल एपियम ग्रेवियोलेंस। बिल्कुल, आगे बात करेंगे हम लोग पार्सले। पार्सले का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो जो पार्सले होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है पेट्रोसेलियम हार्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सभी सही हैं। बिल्कुल, आगे हम लोग बात करेंगे सलाद की फसलें हैं और इसका कुल है, कुल अर्थात फैमिली दिया हुआ है। बिल्कुल, पार्सले का क्या है और इसमें गलत समूह को छांटना है। पार्सले की फैमिली एम्बेलीफेरी बिल्कुल सही है, सेलेरी कंपोजिट का है बिल्कुल गलत है, दक्षिण अमेरिका ये छोड़िए, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा मिल गया। तो बिल्कुल चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फसल है और इसका उत्पत्ति स्थान है, आई थिंक ये लास्ट है उत्पत्ति स्थान जो इसमें दिया हुआ है आपका, फसल और उसका मैचिंग करने के लिए। बिल्कुल, हल्दी या जिमीकंद, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो बिल्कुल भारत है। हल्दी, जिमीकंद, चौलाई का ओरिजिन प्लेस भारत। धनिया, जीरा, प्याज, लहसुन का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र। मटर इथोपिया का है, टमाटर पेरू मैक्सिको का है। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट बनाइए। बिल्कुल, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। फल वृक्ष है और इसका वानस्पतिक नाम कुल एवं वंश है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आम मैंजीफेरा इंडिका एनाकार्डियेसी, दैट इज राइट आंसर। अमरूद साइडियम ग्वाजावा मायरटेसी, इसे सीडियम ग्वाजावा भी कहते हैं, फैमिली अमरूद की है, मायरटेसी बिल्कुल सही है। और वहीं अगर हम लोग बात करें आंवला की, तो फाइलेंथस एम्बलिका यूफोरबियेसी इसकी फैमिली है, ये भी सही है। बेर, कैरिका पपाया, आप सभी लोग जानते हैं कैरिका पपाया पपीते की है, कैरिकेसी पपीते की फैमिली है। बेल का क्या होता है? जुजफस जुजबा, जुजफस मॉरिटियाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट वन इज
सुगंधित फूल समूह है, सेंटर फ्लावर ग्रुप, एंड उसके फ्लावरिंग का टाइम है तो बिल्कुल गुलाब मोगरा गंधराज। इसके फ्लावरिंग का टाइम क्या है तो बिल्कुल बसंत गर्मी और वर्षा में ये फूलते हैं। रजनीगंधा चांदनी मेहंदी, इनके पुष्पन का जो समय है, इनके पुष्पन का समय है वर्ष भर। रुक्मिणी की बात करें, रुक्मिणी के पुष्पन का क्या समय है तो रुक्मिणी गर्मी में पुष्पन की प्रक्रिया कंप्लीट करती है। और नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात कर लें, कदंब फैशन फ्लावर हर चंपा, तो यह वर्षा में करती है। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट बनाइए। एक साइड दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका प्रवर्धन विधि, कौन से पुष्प में कौन सा प्रोपोगेशन मेथड यूज किया जाता है, तो बिल्कुल हम लोग बात करेंगे मोगरा, गुलाब, जूही, करौंदा, रात की रानी, इनमें जो प्रोपोगेशन मेथड यूज होता है वो होता है कटिंग का। और अगर वहीं बात करें कदंब माधवी लता, इनका जो प्रोपोगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, वो बाई सीड होता है। पेशन फ्लावर, चंपा, हर श्रृंगार, इनका जो प्रवर्धन होता है यह गूटी के द्वारा। और जो रजनीगंधा है इसका प्रवर्धन बल्ब के अर्थात कंद के माध्यम से किया जाता है। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर रहे होंगे। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम लोग, कौन सा सुमेलित नहीं है। और जो भी प्रश्न आज आपको दिए जाएंगे शिद्दत के साथ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बिल्कुल, क्राइसेंथिमम सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। बॉम्बे रोज सोसाइटी नई दिल्ली में, यह बिल्कुल गलत है। नेशनल कैक्टस एंड सकुलेंट सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट, सही जवाब है, चंडीगढ़ में है, बिल्कुल सही है। वहीं अगला है एग्री हार्टी सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारा कोलकाता में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। बॉम्बे रोज सोसाइटी कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं इसका। अगर देखिए, मैं ये मेरा प्रश्न देने के पीछे मोटो ये रहता है कि आप लोग जिस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे ना, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है वही आप लोगों के लिए दिया जाता है। जितने लोग कमेंट कर देते हैं वो कभी भी आपको भूलता नहीं है। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट वन की। एक साइड हमारा फूल की किस्म दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका भंडारण अवधि दिया गया है। बिल्कुल बात करेंगे हम लोग कौन सा, तो बिल्कुल गुलाब ग्लेडियोलस, इसका जो भंडारण किया जाता है वह 1.7 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। और कितने दिन के लिए, तो 6 से 9 दिन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है आपके लिए। आर्किड जो होता है इसे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 14 से 15 दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वहीं कार्नेशन की बात करें तो 0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक, और कितने दिन के लिए, तो 15 दिन तक के लिए हम लोग कार्नेशन को स्टोर कर सकते हैं, अर्थात लॉन्गिविटी उसकी जो होती है 15 दिन तक हम लोग रख सकते हैं। बात करेंगे एस्टर की, तो एस्टर जो होता है यह 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक इसे हम लोग टेम्परेचर पर भंडारित कर सकते हैं। कहाँ पर, तो पानी में, कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। बिल्कुल बात करेंगे अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल सकता है। कौन सा उद्यान सुमेलित वर्ग में नहीं है, तो बिल्कुल शालीमार बाग हम सभी लोग जानते हैं श्रीनगर में। बारादरी गार्डन कहाँ है, तो पटियाला में है। रॉक गार्डन कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। बल्कि ताज गार्डन दिल्ली में नहीं है, तो कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आप जितने भी भाई बहन परमानेंट वाले हैं कमेंट करते हैं, बिल्कुल राजबाबू पटेल, रीना पटेल, प्रतीक सचान, ठीक है, मंजुला शर्मा, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ मंजुला शर्मा, तो आप लोग बिल्कुल जो भी आप लोगों को दिया जाता है ना भाई, उसको शिद्दत के साथ और बिल्कुल एक्यूरेटली आंसर करने का प्रयास किया करिए। तो आप लोग कमेंट करेंगे यह हमारा सुमेलित नहीं है ताज गार्डन, तो ताज गार्डन कहाँ पर स्थित है। और कभी कभी स्टाइल के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। बिल्कुल अगला स्टाइल का ही प्रश्न हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अलंकृत उद्यान की शैली अर्थात स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को कितने भागों में विभक्त किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, उपर्युक्त तीनों, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड फ्री, दीज आर मेन थ्री टाइप्स ऑफ
एंड थ्री स्टाइल्स ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। दैट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली, स्वतंत्र शैली, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल, फ्री स्टाइल। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, उद्यान के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल, मैंने कई बार इस प्रश्न के बारे में आपसे डिस्कशन किया है। जो भी लोग स्टार्टिंग से चैनल से जुड़े हुए हैं उनके सामने यह प्रश्न जरूर आया होगा। तो बिल्कुल, उद्यान के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एक जो हमारा उद्यान होता है, कंप्लीट उद्यान जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें बाढ़ रहता है, एजिंग होती है, हरियाली होती है, लान होती है और लताएँ भी होती हैं। ये सभी मेन एलिमेंट हैं किसके, तो एक उद्यान के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का, पुष्पीय पौधे हैं और उनका उत्पत्ति स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए, पुष्पीय पौधे और उनके उत्पत्ति स्थान के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो बिल्कुल, जो ब्लैकेट फ्लावर जिसे क्या कहते हैं, गैलार्डिया पुलचेला, तो बिल्कुल इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है ब्लैकेट फ्लावर का, तो अमेरिका है बिल्कुल। और बैकलोर्स बटन जिसे हम लोग कहते हैं क्या, गम्फ्रिना ग्लोबोसा, तो यह कहाँ पर स्थित है, अर्थात इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका ओरिजिन प्लेस है क्या, भारत। अगर वहीं स्वीट पी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेथाइरस ओडोरेटस, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो इसका ओरिजिन प्लेस जो है वो इटली है। और पिटूनिया, पिटूनिया हाइब्रिड, इसका ओरिजिन प्लेस दक्षिण अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बात करेंगे नेक्स्ट वन की हम लोग और देखेंगे अगला प्रश्न। पुष्प है और पौधे हैं, इनमें आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। जितना आप, जितनी बार वीडियोस को, जितनी बार आपके सामने से प्रश्न गुजरेगा ना, उतना चांस बढ़ जाता है कि आप उस प्रश्न को एग्जाम में सही कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिल्कुल, प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। हॉलीहॉक पौधा जो है, पुष्प जो है, इसका संबंध कहाँ से है, तो जो हॉलीहॉक है इसका संबंध हमारा बिल्कुल चीन से है। सही है जवाब हमारा मिलान। स्वीट एलाइसम, स्वीट एलाइसम का संबंध यूरोप और पश्चिम एशिया, यूरोप एंड वेस्ट एशिया से रिलेटेड है कौन, स्वीट एलाइसम। अगला है हमारा अफ्रीकन डेजी, इसका संबंध किससे है, तो अफ्रीकन डेजी का संबंध दक्षिण अफ्रीका अर्थात साउथ अफ्रीका से है। और मैक्सिकन एस्टर का संबंध किससे है, अभी मैंने ऊपर डिस्कशन किया, देख लीजिएगा मैक्सिकन एस्टर कहाँ पर है, तो ये भारत में नहीं है और सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बात करेंगे, फल दिया हुआ है और वृक्ष दिया हुआ है, सुमेलित करना है हमें। फल जो है, यह फल वृक्ष है और इसका संबंध किस देश से है, थोड़ा सा यहाँ पर इरर हो गया है, यह फल वृक्ष आपका यहीं पर रहना चाहिए था और यहाँ पर देश होना चाहिए था किस देश से यह संबंधित है, थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। लोकार्ट जो है, लोकार्ट का संबंध किससे है, तो बिल्कुल जापान और चीन। आम का कहाँ से है, आम सर्वाधिक मात्रा में जैसे कहाँ पर उगाया जाता है, तो आम मलाया हो जाएगा, पूरे विश्व की बात कर रहा है, स्पेशली भारत की बात नहीं कर रहा है। और सेब कहाँ पर उगाया जाता है, तो सेब जो होता है यह दक्षिण पश्चिम एशिया में, और आड़ू लीची यह चाइना में ग्रो अप किया जाता है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है वाले प्रश्नों की झड़ी लग गई है और ये मान के चलिए कि एग्जाम के बाद आप लोग खुद आएंगे और कहेंगे सर क्वेश्चन फंसा हुआ है, और 100% फंसेगा क्वेश्चन। बिल्कुल, फल जो है जिसे हम लोग प्लम बोलते हैं, प्लम एक प्रकार का फल है, और इसका जो वृक्ष है वह कहाँ पर पाया जाता है या सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर ग्रो आउट किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये आपके लिए। बिल्कुल, प्लम का जो है वह उत्तरी अमेरिका व जापान, खुबानी आर्मेनिया है, पैशन फ्रूट जो है यह ब्राज़ील का नेटिव प्लेस है, लीची जो है यह भारत है, तो कौन सा बताना है इसमें गलत है। बिल्कुल, जरा सा ध्यान से देखे होंगे तो आप लिख कर लेंगे, आपको मिलता है 5 सेकंड, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीची भारत नहीं है, लीची कहाँ है, तो चाइना है, चाइना इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, फल है और उसका वानस्पतिक नाम और उसके परिवार के साथ है, जिसमें से हमारा स्ट्रॉबेरी और शहतूत कई एग्जामों में पूछा गया है, तो फल वृक्ष दिया हुआ है और इसे हम लोग को मैच करना है कि उसका वानस्पतिक नाम और उसका परिवार क्या है। तो बिल्कुल, बात करेंगे स्ट्रॉबेरी का, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रगेरिया स्पीसीज, और यह इसकी फैमिली रोजेसी होती है। शहतूत की बात करें तो मोरस स्पीसीज और मोरेसी इसकी
फैमिली होती है। अगर वहीं बात करें जामुन की, तो जामुन की फैमिली क्या होती है, माइटेसी होती है, और साइजिगम कुमुनिस का नाम होता है वानस्पतिक। और हेजलनट की बात करें तो कोराइलस एवेलाना इसका बॉटेनिकल नेम है, और विटुलेसी इसकी फैमिली होती है। और स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर के ज़रूर रखा करिए। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, और बात करेंगे कौन सा वर्ग गलत है, गलत वाले वर्ग को बताना है। तो बिल्कुल अमरूद के खाए जाने वाले भाग को थैलेमस और पेरिकार्प कहते हैं, बिल्कुल सही। अंगूर का पेरिकार्प और प्लेसेंटा हो जाएगा। लीची का बीज, बीज तो लीची का खाया नहीं जाता है। अनार, अनार का बीज को का वाह जूस ही खाया जाता है, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा नहीं सही है, तो लीची, और लीची के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलेंगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन का, कौन सा कथन असत्य है, लीची के खाए जाने वाले भाग को क्या कहा जाता है। देखिए आपको उत्तर भी मिल गया, तो मांसल एरिल कहते हैं, अर्थात फ्लेसी एरिल कहते हैं। एक भी प्रश्न आपका इधर से उधर नहीं होगा, गारंटी ये एग्री गुरु जी आपको दे सकते हैं। भाई आगे कुछ किस्मत भी होती है, बट जितना सेंस पहुंच सका, जितना पैटर्न है, जितने क्वेश्चन हैं, जिस जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं, वो सभी का संकलन आपको सब्जेक्ट वाइज सेशन में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल अच्छा लगता है, तो लाइक किया करिए, और शेयर आप लोग नहीं कर रहे, थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं व्यथित हो जाता है, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। आपका क्या जाता है शेयर करने में, क्या चाह रहे हैं, मैं प्राइवेट कर दूँ वीडियो, ऐसा मत करवाइए, ये पाप मत करवाइए एग्री गुरु जी से। जिस उद्देश्य से ये बना हुआ है चैनल, उसी उद्देश्य को बने रहने दीजिए, और शेयर दबा के आप लोग किया करिए। बिल्कुल आम और पपीता का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो बिल्कुल मीजोकार्प होता है। टमाटर का पेरिकार्प और प्लेसेंटा होता है, तो आम का भी हमने देखा मीजोकार्प है, तो सही उत्तर हो जाएगा असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी, आम का एंडोकार्प नहीं होता है। बात करेंगे वहीं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, हरा मधु निम्न में किसकी वैरायटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लोग डबल भी देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हरा मधु, और कई बार यह पूछा गया है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ क्या हो जाएगा, मस्क मेलन, अर्थात खरबूजे की वैरायटी है हरा मधु। और हरी छाल बरसाई किसकी वैरायटी है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वृक्ष दिया है, उसकी लॉन्गेविटी दिया है, अर्थात उम्र दिया है, और कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी 20 से 30 वर्ष तक चलता है, बिल्कुल सही है, इसकी लॉन्गेविटी जो होती है यह बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित वर्ग में नहीं है, सॉरी सुमेलित वर्ग में नहीं है, तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी 20 से 30 वर्ष, अनार आड़ू प्लम यह 20 से 40 वर्ष, अंजीर 50 से 100 वर्ष, और स्वीट चेस्ट नट जो होता है यह 1000 वर्ष इसकी लॉन्गेविटी होती है। तो वर्ग नहीं है की बात कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉबेरी 20 से 30 वर्ष इसकी लॉन्गेविटी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वन की, पुष्प दिया है, उसकी व्यावसायिक किस्म दिया गया है। पुष्प है, उसका व्यावसायिक किस्म है, और बताना है कि बोगेनवेलिया का व्यावसायिक किस्म कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही जवाब होगा वाजिद अली शाह एवं अर्जुन, ये बोगेनवेलिया का व्यावसायिक वैरायटी है। गुड़हल के व्यावसायिक वैरायटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भारत सुंदरी एवं दिलरुबा, दिलरुबा जो है और भारत सुंदरी यह व्यावसायिक किस्म है किसकी, तो गुड़हल की। बिल्कुल ग्लैडियोलस का, तो नजराना एवं आस्कर जो है यह व्यावसायिक किस्म है ग्लैडियोलस की, और गुलदाउदी जिसे हम लोग क्राइसेंथिमम कहते हैं, इसकी व्यावसायिक किस्म कौन सी है, तो बीरबल साहनी एवं चंद्रकांता। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बिल्कुल चलेंगे आगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग। सुगंधित पौधा है और उसकी व्यावसायिक किस्म है जिसे हमने मैच करना है, तो बिल्कुल खस खस की जो व्यावसायिक किस्म है वो कौन सी है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, सुगंधा। गुलाब की व्यावसायिक वैरायटी कौन सी है, तो पूसा गौरव। पामारोज की व्यावसायिक वैरायटी मोतिया, और नींबू घास जिसे हम लोग लेमन ग्रास बोलते हैं LS48 इज अ कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ लेमन ग्रास। बिल्कुल चलेंगे आगे हम लोग, और बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। लेंटाना जिसे लेंटाना कमेरा कहते हैं, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, जमैका है। इसकी उत्पत्ति प्लेस कहाँ है, तो जमैका है, और इसकी फैमिली जो है वह क्या है आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला प्रश्न कि लेंटाना कमेरा इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो याद होना चाहिए कि जमैका है। और इसकी फैमिली कौन सी है, तो बर्बनेसी फैमिली होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
वहीं बात करेंगे नेक्स्ट वन की। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोरी बाना अर्थात पाइल्ड फ्लावर किस प्रकार की फूल बनावट को प्रदर्शित करता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मोरी बाना आपके टेक्निकल असिस्टेंट में आया हुआ है। पाइल्ड फ्लावर जानते रहिएगा कि मोरीबाना को ही पाइल्ड फ्लावर कहते हैं, और यह किस प्रकार के फूल सजावट को प्रदर्शित करता है, तो यह उथले कंटेनर्स टाइप के फ्लावर के सजावट को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, कौन सा समूह मनुष्य में मधुमेह रोगी के उपचार हेतु लाभकारी रहता है। तो मधुमेह दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है तो डायबिटीज मेलिटस होता है, एक क्या होता है तो डायबिटीज इंसिपिडस होता है। जो सामान्यतः मनुष्यों में हो रहा है डायबिटीज मधुमेह हो रहा है वह डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसमें जो रक्त होता है इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इससे किसके कारण, तो बिल्कुल इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है उसे नियंत्रित करने के लिए। और यह समस्या ही उत्पन्न होती है जब शरीर में प्रॉपर इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये थी मधुमेह से संबंधित कुछ एडिशनल जानकारी, और कौन सा इसमें से ऐसा फल है जो डायबिटिक रोगियों के लिए उपचार हेतु लाभकारी रहता है। तो सही जवाब होगा क्या, जामुन एवं करेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं